शमीदा क्या हो गया भाई, तुम नाश्ते के लिए बाहर नहीं आई? सोनी भी बगैर नाश्ते के चली गई। तबीयत तो ठीक है? मेरे ठीक होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? नाराज हो अब तक? तो क्या नहीं होना चाहिए? कल बेटे की शादी हुई है, आज वो ससुराल में बैठा है सिर्फ और सिर्फ आपकी शय की वजह से। हाँ भाई सॉरी कह रहा हूँ, तुमसे गलती हो गई ना, अब आइंदा नहीं होगी। कैसे नहीं होगा, इब्तदा तो कर दी ना आपके बेटे ने मनमानी की। तुम प्लीज अब थोड़ा गुस्सा थूक दो, रिलैक्स हो जाओ। देखो 2 दिन हुए बेटे की शादी को और तुम्हारी पसंद से तो हुई है शादी, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खुश तुम्हें होना चाहिए। हाँ मैं खुश थी, सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे भी ज्यादा आप और आपका बेटा खुश है। ऐसी कोई बात नहीं है फहमीदा, तुम प्लीज नेगेटिव मत सोचो। ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो फिर ये पकड़े फोन और उसे फोन करके कहें फौरन फौरन वापस आए घर। तुम बिलावजी अपसेट हो रही हो, फोन तो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात हो गई है सर से भाई, दोपहर के खाने के बाद वो यहाँ के लिए निकल रहे हैं। अच्छा आपकी बात हो गई है, दोपहर के खाने के बाद आ रहा है वो, ये कौन सा कमाल कर दिया आपने, दोपहर के खाने के बाद तो उसे आना ही था। अच्छा तुम प्लीज गुस्सा थूक दो, मुंह ठीक कर लो, मैं हसीना से कहता हूँ तुम्हें नाश्ता दे। कोई जरूरत नहीं इतनी जहमत करने की, मैं खुद कह दूंगी हसीना से अगर मुझे नाश्ता करना होगा। आप जाएं यहाँ से। ओके अल्लाह मियां रहम करे, समझ नहीं आता। बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा मुझे खुश करने वाली बात कर दी है, तुम फिक्र मत करो दोपहर के खाने के बाद आ जाएगा, वैसे अभी आ रहा है।